हम लोग को तो बहुत पसंद आया, और आप लोग कमेंट्स पे जरूर बताइएगा कैसा खाने वाला। थैंक गॉड दिखा रही है ना, तो हमको लगा हर वीडियो में आपको अगले वीडियो में दिखाएं, लेकिन दिखाती नहीं थी। इस बार तुम दिखा रही हो एटलीस्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स। तो फिर से नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो आपको लग रहा होगा हम अभी इधर हाथ रखे हुए हैं, तो अभी मेहंदी लगवा रहे हैं हम पहले, और बहुत सुंदर लगा है मेहंदी। और यहाँ क्यारा को भी शौक चढ़ा है, मम्मी को देख के अपने मामा से मेहंदी लगवा रही है। क्या लगा रही है? हाय कर दो सबको, क्यारा बोल दो क्या लगवा रही है। मेहंदी। तुम भी मेहंदी लगवा रही है तन्नु? दवाई खा लेते हैं। ओ यही खांस रही थी रात को, हमको लगा नानी खांस रही होगी, इतना जोर से कौन खांसता है। तो अभी नेहा का मेहंदी लग रहा है, एक हाथ में तो इसका कंप्लीट हो गया, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेहंदी लगा है, बहुत ज़्यादा, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत खूबसूरत लग रहा है। दूसरा हाथ में अब लगवा दिया, और हाथ कितना स्पीड में चल रहा है, वाह वाह वाह, बहुत स्पीड में हाथ चल रहा है। और ग्यारह यहाँ पे खेल रही है, वीडियो बनाए, वाह वाह, आओ आओ। तो मेहंदी लग गया है मेरा पूरा, आप लोग बताइए कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है, और बहुत सुंदर, हमको तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप हाँ बहुत अच्छा लगा है, खुश नेहा तो पूरा खुश हो गई। क्यारा भी लगा, क्यारा का तो सूख भी गया, इसको अभी आए हैं तो गर्मी से पूरा दाना हो गया, तो इसको हम पाउडर लगाए हुए पूरा शरीर पे, और कपड़ा भी दिए अभी जज दवाई, ये वाला दवाई है एंटी एलर्जिक सिट्रिजिन, तो मस्त लगा लेकिन मैंने ना, अच्छा लग रहा है, पूरा भाई का शादी में मज़ा लेगी ना। हाँ वही, सॉरी एंगेजमेंट में जा, नाक में लग गया, ये लग गया नाक में सही में, हाँ क्यों उससे घसा, उससे कौन घसता है, फिर लग गया। हाँ देखो दिखाते हैं, लो कोई कपड़ा से पोछो जाके, ला पोछ दे। नेहा का तो लग गया था मेहंदी, अब तन्नू लगवा रही है। कहाँ से लगवाएंगे, अब उसको टेंशन होगा, देखना हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो आधा एक घंटा बाद बोलेगी हम धो लेते हैं, वो वही करेगी, अभी देख लेना, एक बार की थी ना पिछले बार, तो और लगवा भी रही, देखो नॉट इंटरेस्टेड टाइप, लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। The next day. Hey guys, तो कल नेहा को काफी लेट हो गया था मेहंदी लगाने में, नेहा लगाई उसके बाद तन्नू लगाई, तो लगभग 9:30-10 बज गया था, इससे फिर वीडियो भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि खाना वाना खाने लग गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग दो चीज़ दिखाने वाले हैं, पहला तो नेहा का मेहंदी कैसा हुआ है, और दूसरा चीज़ वो नेहा रिवील करेगी। तो जैसा कि बोले पहला मेहंदी ना, कैसा लगा मेहंदी, तो देखिए आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन बताइए। अभी ये और रेड होगा, पता नहीं होगा या नहीं, अभी लाल काला हो गया लाल से ना, थोड़ा बहुत अच्छा लगा। क्यारा भी मेहंदी लगाई है, क्यारा मेहंदी दिखाओ बेटा, अरे वाह, वो हाथ दिखाओ, वो हाथ दिखाओ, वो हाथ, क्यारा का ज्यादा लाल हुआ है, पीछे भी दिखाओ, पीछे तो पोछ ही ली थी, तो वानी भी लगाई है, वानी सर ए शर्मा गई वानी तो,
और जैसा कि बताएं, पहला तो हम यही कि नेहा मेहंदी लगाई थी, बहुत अच्छा लगा। तनु आएगी तो उसका भी दिखाएंगे, तनु अभी कहीं गई है, काम कर रही है शायद कुछ। और दूसरा क्या था? तो इस वीडियो में हम लोग ये दिखाने वाले हैं कि हम अपने होने वाली भाभी को क्या गिफ्ट देंगे। क्या नेहा ली है जो कि रिंग सेरेमनी में देने वाली है नेहा, है ना? और दूसरा चीज दिखाएंगे कि भाई हमको क्या गिफ्ट दिया था, जो उस दिन बोले थे अनबॉक्स नहीं कर पाए थे, बहुत रात हो गया था। तो आज ब्लॉग में हम लोग ये दिखाने वाले हैं, वो है ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, है ना? तो चलिए अब हम लोग इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और क्यारा का तो नजर बस इसी पर है कि अंदर से हम क्या क्या ले सकते हैं, ना क्यारा? कुछ कुछ अरे तो चलो खोलो इसको। सिर्फ लड़की लोग का है तो फर्स्ट में है ये मस्करा, लैक्मे का। सबसे पहले हम लोग मस्करा ही दिखा दिए लैक्मे का। और ये है काजल, ये है काजल ब्लैक कलर जो कि हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें दो पीस है तो एक हो सकता है तन्नू ले ले। और ये है क्या? ये है आई शैडो। वाह 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 वाह। क्या रहा बोले थे ना, ये खुलेगा तो ये पागल हो जाएगी क्या रहा? तो ये है मैबेलिन का पाउडर। क्या बोल रही है क्या रहा? खोलो। अच्छा खोलते हैं, पहले वीडियो बना लेते हैं उसके बाद खोल देंगे, ठीक है? और ये है 9 to 5, सुबह 9 बजे लगाइए और शाम को 5 बजे तक मेकअप पोते आए रहिए। और ये तो गुलाब जल है जो कि आप लोग, ये गुलाब जल नहीं है, हम इसको देखे थे उस दिन। क्या है? क्लींजर है, इस पे फेन होता है, गुलाब जल में फेन नहीं होता। कॉटन भी दिया है, वाह 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 वाह। और ये है एक लिपस्टिक लैक्मे का 9 to 5 कलर, आपको दिखा देते हैं। प्यारा देख, सब रखो अंदर। हाँ उसका दिमाग को डाइवर्ट करो। तो ये कलर का है, ये लिपस्टिक है। हाँ कुछ भी लिपस्टिक नहीं है ये, कंसीलर है। क्या है? अद ना हाइलाइटर बोलते हैं इसको ना, वही तो पता भी नहीं है। वही हम सोचे ऐसा कलर का तो लिपस्टिक नहीं हो सकता है, पागल। ऐसा लिपस्टिक ही होता है ना, हम यूज नहीं करते, ये हमको यूज करने दिया है सारा। ठीक है तो यूज करो। तो ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप प्राइमर। इससे क्या होता है? प्राइमर तो पेंट का भी नाम होता है, प्राइमर पेंट, पुट्टी के ऊपर प्राइमर लगता है, फेस पे लगा, मतलब मेकअप करने के बाद फेस पे प्राइमर, मतलब जैसा कि इस पे पेंट होता है पुट्टी के बाद प्राइमर, वैसे फेस पे भी पेंटिंग के बाद प्राइमर। और ये है लैक्मे का क्रीम, ल्यूमी क्रीम, सबसे पहले लगता है। तो ये है बादाम रोगन तेल जो कि हम यूज करते हैं, इसलिए ये हमको दिया है। बड़ा लिपस्टिक दिखाते हैं आपको, दो लिपस्टिक है और कलर इसके अंदर दिखाएंगे, लैक्मे का लिपस्टिक है। तो क्या रहा तो छीन ही लेगी तुमसे। तो ये है, ये कलर अच्छा है, अच्छा कलर है। अच्छा कलर है, चॉकलेट कलर। हाँ क्यारा को भी, क्यारा को भी वो लगा दो, क्यारा को, क्यारा। अरे वाह। और दूसरा कौन सा कलर है? अच्छा है ना, चॉकलेट कलर। दूसरा कौन सा कलर है? क्यारा हमको तंग कर रही है, दिखाने नहीं दे रही। और ये सब उससे भी अच्छा कलर हमको लगा, पिंक। ये कलर अच्छा, ये मेरा फेवरेट कलर है। सबका होता है, सब क्यारा को लगा दो। ओ क्यारा लगाएगी, क्यारा यहाँ बैठी हुई है। क्यारा कैसा है? क्यारा कैसा है? क्यारा कैसा है? क्यारा
इधर दिखा दो। अरे वाह। तो हम लोग शो शॉपिंग किए थे, आपको बोले थे दिखाएंगे और ये भी हम दिखाने वाले। थैंक गॉड दिखा रही हो ना, तो हमको लगा हर वीडियो में आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन दिखाती नहीं थी। इस बार तुम दिखा रही हो एटलीस्ट, मतलब लास्टली अब मतलब हमको भी लग रहा है कि अब तुम दिखा रही हो, मतलब क्या क्या ली हो। हम सोचे थे सारा एक ही वीडियो में दिखा देंगे, ठीक है। एक चीज नहीं दिखा पाएंगे, वो अपना जो कपड़ा लिए हैं पहनने के लिए, पता नहीं अभी तक आया भी है कि नहीं। हाँ वो दर्जी को दी हुई है इसलिए। मम्मी को याद दिलाना होगा मंगवाने के लिए। हाँ तो अभी दिखाते हैं आपको क्या करते हैं। तो ये दोनों इयर रिंग्स जो कि तन्नू ली है अपने लिए और अपनी एक फ्रेंड के लिए, और अपनी एक फ्रेंड के लिए भी ले लिए। हाँ तो हमको सुंदर लगा, हमको भी ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा मिला नहीं। ले लेना नेक्स्ट टाइम शादी में। तुम कौन सा चूड़ी ली हो? मैं पहले तन्नू करता। तो तन्नू ली है ग्रीन और सिल्वर कलर का चूड़ी, क्योंकि ड्रेस से मैचिंग चाहिए था तो वो ले ली है अभी इस अच्छा टाइप का। लेकिन हाँ बहुत सुंदर भी लग रहा है। आप लोग बताइए कमेंट्स में कैसा लग रहा है चूड़ी। मस्त। और थोड़ा सा ये तो जरूरी चीज़ है तो वो ले लिए थे, और हम अपने लिए चूड़ी लिए हैं पिंक कलर, मतलब पर्पल कलर। अच्छा मस्त है। और इसके बीच में हम ये ग्रीन कलर का पहनने वाले हैं, क्योंकि मेरा ड्रेस भी मैचिंग होना चाहिए ना चूड़ी के साथ, तो मैच कर जाएगा। तो बस इतना ही था। और एक मम्मी के लिए थे तो वो मम्मी पहन ली है, आ गई है। और इसका मेहंदी देखिए, फिर भी इसको मेहंदी लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, तुरंत धोना पड़ गया और अभी भी पानी लगा हुआ है इसके हाथ में। तो लग गया है इसका जिम्मेदार कौन है? तुम। नहीं यार। तो अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बताए भी थे कि लिए हैं और दिखाए नहीं थे, और भाई को तो आप देखे हैं कि हम दे चुके हैं इंगेजमेंट के लिए, और अभी भाभी के लिए भी इंगेजमेंट के लिए हम लोग कुछ लिए हैं गिफ्ट, मतलब छोटा मोटा ही गिफ्ट, मतलब हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा बहुत सुंदर भी है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, चलिए। और वीडियो का मेन टाइटल इसी पर है। हाँ, और मतलब जो मेन चीज़ मेन टाइटल है इसी पे है। और तन्नू भी आ गई है, इसको खोज रहे थे, ऊपर चली गई, एक घंटा में फोन पे गप करके आई है। फोन पे तुम गप कर रही थी छत पर? क्या बोली? इसीलिए बात करने छत पे चले जाती है। देख लो तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर। और इसी में वो गिफ्ट है जो नेहा ली है देने के लिए। हाँ तो ये लिए हम, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा है। हो गया हाँ बस। हे गाइस, तो कल एंगेजमेंट है और आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग का बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। पूरा एंगेजमेंट का, एंगेजमेंट का तैयारी का सारा ब्लॉग, और सारा सजावट सारा कुछ हम लोग आपको बताएंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय कर दो क्यारा। और पिछले ब्लॉग में आप लोग ने हम लोग को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आप लोग। साथ ही एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि मतलब लाइफ में अगर कोई आपको रोकता है या कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो उसको कोई रोकता है या मतलब आपका मजाक उड़ाता है, तो उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देना है, बस उसका चुपचाप आप
अपना मेहनत कीजिए अंदर से, और उसमें आप सफल होके दिखाइए तो उसको जवाब खुद पे खुद मिल जाएगा। इसलिए मेरा तो लाइफ का मंत्र यही है कि बस साइलेंट रहना है और अपने काम से उसको जवाब दीजिए, अपने नाम से जवाब दीजिए, आपको बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।